पूरे देशभर में राधाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, इंदौर के प्राचीन गोपाल मंदिर में भी आज खास आयोजन किए जा रहे हैं और माता रानी का खास श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहां पर देखी जा सकती है। बता दें, कृष्णाबाई होलकर ने इस मंदिर की स्थापना 190 वर्ष पूर्व करवाई थी और तभी से शहरवासियों की आस्था यहाँ से जुड़ी है। गोपाल मंदिर पुजारी बालकुंज पार्षद आज राधा अष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। राधा जी का जन्म प्रातः काल राधा जी को पंचामृत से स्नान, राधा जी का अभिषेक किया गया और राधा जी का नव वस्त्र धारण करके और उनका 16 श्रृंगार किया गया। और राधा जी को जो प्रिय भोग रहता है वो अरबी के क्या होते हैं, भजिए का बहुत बड़ा महत्व है और उसका भोग। और राधा जी जो है प्रेम की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? प्रेम की। और राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना नारा, माने राधा जी ने जिस प्रकार से भगवान से प्रेम किया उसी प्रकार जो भी प्राणी भगवान से प्रेम करता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, कल्याणमय होता है। और आज शाम को भी राधा जी की बड़ी धूमधाम से महाआरती होगी और भगवान को, राधा रानी को भोग लगेगा और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। इसी प्रकार से राधा जन्म अष्टमी का उत्सव सभी भक्त बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और आगे भी अभी मनाएं। राधा रानी का जो व्रत रखते हैं, जो उपास रखते हैं, तो कुंवारी कन्याओं को उनका मन चाहा पति प्राप्त होता है और स्वागवती नारियों को राधा रानी की कृपा से और उनके घर में पुत्र की, धन की, धान्य की और सारे सुखों की प्राप्ति। आपको बता दें, जन्माष्टमी और राधाष्टमी के खास पर्व पर यहाँ दर्शन करने का महत्व है।